तो एपिसोड 147 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि उस लेसन क्लेन के बंदे अपनी एक केव के पास आकर देख रहे होते हैं कि एलेक्सन किस तरह से यहाँ पर तबाही मचाई है, और उनका जो एल्डर है वो अपने डिसाइपल से कहता है कि जाओ एलेक्स के बारे में पता करो आखिर वो कहाँ पर है, और हमें साथ ही वो स्टोन के बारे में भी पता करना होगा, तो जल्द से जल्द उस एलेक्स के बारे में पता करो। और इतनी बात सुनकर ये सभी डिसाइपल्स अलग अलग जगह पर जाकर ढूंढ रहे होते हैं एलेक्स को, और काफी जगह पूछताछ कर रहे होते हैं कि वो कहाँ हो सकता है। और फिर ये सभी डिसाइपल्स एक केव के अंदर आते हैं जहाँ पर एक काफी बड़ा वुल्फ होता है, और वो उसको पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि एलेक्स कहाँ रहता है या फिर वो हमको अभी कहाँ मिलेगा। और फिर तभी वो वुल्फ वहाँ पर अपने से छोटे एक दूसरे वुल्फ को कहता है कि हर जगह पर उसके बारे में ढूंढने के लिए अपने बंदों को लगा दो। जिसके बाद हम यहाँ पर तियानसेन एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर किंगी एक वीणा बजा रही होती है, और साथ ही हम यहाँ पर जेसिका को भी देखते हैं। और फिर यहाँ पर किंगी जेसिका से कहती है कि आप कितनी ज्यादा खूबसूरत है, आखिर में वो कौन बंदा है जो आप जैसी खूबसूरत लड़की को भी छोड़कर चला गया। असल में यहाँ पर सेलेस्टियन क्लैन के बंदों ने यहाँ पर एक कहानी बताई हुई है कि जेसिका जिस बंदे से प्यार करती थी वो एक बहुत ही बुरा बंदा है, और उसने इनके काफी सारे ट्रेजर्स भी चुराने की कोशिश की थी, पर ये सभी झूठी अफवाह उड़ाई हुई है सेलेस्टियन क्लैन ने एलेक्स को बदनाम करने के लिए। और ये बात जेसिका भी जानती है पर वो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसके लीडर ने उसको मना किया हुआ है कुछ भी सच्चाई बताने के लिए। और फिर हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि सेलेस्टियन क्लैन के उन 6 हीरोज का लीडर है, और इसका नाम यूया है। और यहाँ पर यूया खड़ा होकर कहता है, किंगी से कहता है कि मुझे आपके ध्यान एकेडमी के जो एल्डर है उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और फिर वो यहाँ पर अपने साथी बंदे से भी कहता है कि मैं कुछ जरूरी बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम कोई बेवकूफी मत करना मेरे यहाँ पर आने तक। और वो अपने साथ जेसिका को लेकर और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो 6 हीरोज में से 2 लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ पर इनमें से एक बंदा जो है वो सेलेस्टियन क्लैन के मेन फैमिली से बिलोंग करता है। और फिर यहाँ पर इसके साथ वाले बंदे उस बंदे को भड़का रहे होते हैं ये कहकर कि तुम तो सेलेस्टियन फैमिली के अगले वारिस हो, और तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि तुम्हारी क्लैन को वो एलेक्स इतनी पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है, तुम उसका कुछ क्यों नहीं करते। जिस पर वो फैमिली वाला बंदा कहता है कि मैं तो उसकी हड्डियां अभी जाकर तोड़ दूं, पर मुझे पता तो चले वो बंदा रहता किधर है, उसका पता ही तो नहीं पता मुझे। और ये बात ये तियानसेन एकेडमी का एक डिसाइपल सुन लेता है जो कि असल में वही डिसाइपल है जो कि पहले भी एलेक्स से मार चुका है। और वो यहाँ पर उस फैमिली वाले बंदे से कहता है कि मुझे मालूम है कि एलेक्स कहाँ रहता है। और ये बात सुनकर वो फैमिली वाला बंदा उसको कहता है कि तुम्हें मालूम है तो मुझे अभी उसके पास ले चलो। और फिर यहाँ पर वो फैमिली वाला बंदा अपने काफी पावरफुल हॉर्स को बुला लेता है जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही होती है, और उसके ऊपर बैठकर किंगी इसे कहता है कि तुम सब लोग यहीं रुको, मैं अभी गया और अभी वापस आया उस एलेक्स को मारकर। और वो वहां पर एक कप भी छोड़ जाता है अपनी पावर से हवा में लटका के, जिसे पता रहे कि वो बंदा जिंदा है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते कि एलेक्स डोजो एकेडमी में अंगड़ाइया ले रहा होता है, और फिर तभी वहाँ पर आसमान में वो पर्पल ऑरा दिखाई दे रहा होता है, और उसके अंदर से यहाँ पर वो फैमिली वाला बंदा भी आ जाता है। और इसके साथ यहाँ पर वो सेलेस्टियन क्लैन का एक बंदा और आता है, और साथ में यहाँ पर तियानसेन एकेडमी के भी कुछ डिसाइपल्स आते हैं। और फिर यहाँ पर एलेक्स भी अपनी हीरो वाली एंट्री लेता हुआ आ जाता है, और फिर यहाँ पर वो फैमिली वाला बंदा एलेक्स को देखकर कह रहा होता है कि तो तुम हो वो जिसने मेरी सेलेस्टियन क्लैन के केव्स को लूट रहा है, आज तो तुम्हारी मौत यहाँ पर की है। और ये सुनकर एलेक्स उसको कहता है कि और तुम एक और सेलेस्टियन क्लैन के नमूने हो बाकियों की ही तरह। और फिर यहाँ पर वो सेलेस्टियन क्लैन वाला बंदा जो उसके साथ आया था वो उस फैमिली वाले बंदे से कम्युनिकेट करके बात करता है, और वो उसको कहता है कि तुम कहीं जोश में आकर उस गॉड तालिस्मान का इस्तेमाल मत करना, वो बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करने के लिए है, तुम उसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जिस पर वो फैमिली वाला बंदा उसको कह देता है कि मुझे उसको इस्तेमाल करने की कोई जरूरत भी नहीं है, इसको तो मैं अपनी पावर से ही मार डालूंगा। और फिर यहाँ पर ये फैमिली वाला बंदा अपनी पर्पल एनर्जी को एक्टिव करके और हवा में उड़ने लगता है, और इसको देखकर एलेक्स भी जोश में आकर और हवा में अपनी गोल्डन एनर्जी के साथ उड़ने लगता है। और फिर यहाँ पर ये फैमिली वाला बंदा एक स्पेयर बाहर निकाल लेता है, और साथ ही यहाँ पर एलेक्स भी अपना एक स्पेयर बाहर निकाल लेता है, और इसी के साथ ही यहाँ पर ये फैमिली वाला बंदा एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, और इसके साथ ही इन दोनों की यहाँ पर काफी मजेदार फाइट होने लगती है। और फिर यहाँ पर एलेक्स उस बंदे को घुसंड मारकर पीछे फेंक देता है, तभी वहां पर वो अपने एक केओस फ्लेम ड्रैगन बाहर निकाल लेता है जो कि पूरा ब्लू होता है, और फिर वो इससे एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। पर एलेक्स की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है, इसलिए वो उस अटैक को बड़े ही आराम से रोक लेता है। और फिर यहाँ पर एलेक्स अपने स्पेयर से उस फैमिली वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है, और एक ही अटैक में वो बंदा वहां पर मारा जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कप जो वो वहां पर अपनी पावर से अटका के गया था वो टूट जाता है, और इससे किंगी को भी पता चल जाता है कि वो बंदा निपट लिया है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बंदे के वहां पर ट्रेजर गिर जाता
जाते हैं और उसमें वो गोडेस तालिस्मान भी होता है। और यहाँ पर पीछे उन डिसेबल्स की भीड़ के अंदर वो फैमिली वाले बंदे का साथी एक खड़ा होकर देख रहा होता है कि अगर एलेक्स इस गोडेस तालिस्मान को उठा लेता है तो फिर मेरे एल्डर जो है वो मुझे मार डालेंगे, मुझे कैसे भी करके तालिस्मान इससे लेना होगा। और ये सोचने के साथ ही वो सीधे एलेक्स के ऊपर अटैक करता है और हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है। पर एलेक्स यहाँ पर उससे काफी ज्यादा तेज होता है तो उसको सभी वारों को वो एक रोक लेता है। और फिर यहाँ पर एलेक्स जब जब करता हुआ आता है एकदम तेजी से और अपनी उंगलियों से एनर्जी का एक अटैक करता है उस बंदे की खोपड़ी पे और वो बंदा वहाँ पर चारों खाने चित हो जाता है। और फिर यहाँ पर एलेक्स वो तालिस्मान उठाता हुआ कहता है उन डिसाइपल से कि अगर ध्यान सैन अकेडमी को मुझसे बदला चाहिए तो मैं ठीक यहीं पर उनका इंतजार कर रहा हूँ, जाओ उन सबको कह दो। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम ध्यान सैन अकेडमी के अंदर देखते हैं कि वो सभी डिसाइपल आकर और यूया को कह रहे होते हैं कि वो फैमिली वाला बंदा निपट लिया है। पर यूया को यहाँ पर पहले पता चल गया था क्योंकि वो गॉडेस ने हर जगह पर ये बात फैला दी थी कि वो फैमिली वाला बंदा मारा जा चुका है। और यहाँ पर यूया कहता है कि मैं यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन करना चाहूंगा उस एलेक्स के साथ और मैं उसको सब लोगों के सामने मारूंगा, इसलिए हर जगह पर इस फाइट की अनाउंसमेंट कर दो, हर किसी को पता चलना चाहिए कि एलेक्स ने सेलेस्टियन क्लैन के साथ भिड़कर बहुत ही बड़ी गलती करी है, अब उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर डोजो अकेडमी के पास हम देखते हैं कि काफी सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं उस फाइट को देखने के लिए। और यहाँ पर अपर वर्ल्ड से भी कुछ लोग आ रहे होते हैं काफी बड़े बड़े शिप लेकर इस फाइट को ही देखने के लिए। इसके बाद हम वो डोजो अकेडमी के उस बुड्ढे मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर कह रहा होता है कि वाह मैंने क्या सही डिसाइपल चुना है मेरे डोजो अकेडमी के लिए, अगर वो फाइट भी करता है तो अपर वर्ल्ड से भी लोग उसको देखने के लिए आते हैं, अगर इतने सारे लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं तो मैं अपने डोजो अकेडमी को खंडर नहीं रहने दे सकता। और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर से उस पूरे डोजो अकेडमी को फिर से रीजनरेट कर देता है। और साथ ही यहाँ पर किंग यी भी आ जाती है जो कि काफी कूल तरीके से एक मून के अंदर से निकलती हुई हमें दिखाई दे रही होती है और वो भी यहाँ पर ये फाइट देखने के लिए ही आई है। और साथ ही यहाँ पर जेसिका भी आ जाती है उस फाइट को देखने के लिए और वो भी काफी प्यारे तरीके से आती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान में कुछ गॉड भी आए हैं अपर वर्ल्ड से इस फाइट को देखने के लिए जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल और काफी पावरफुल लग रहे होते हैं और इनको देखने से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स भी अपनी इलेक्ट्रिक वेव के साथ आ जाता है हीरो वाली एंट्री लेता हुआ और वो यहाँ पर ये भी सोच रहा होता है कि ये सब लोग आए हैं मुझे हारता हुआ देखने के लिए। और इस बात के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पर इतना तो पक्का है कि आगे वाली जो फाइट होने वाली है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं इसका आगे का एपिसोड भी जब आएगा तब तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।